कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे, इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो पहले इसको अपन ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं। अ बुलेट मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, एक बुलेट है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड मूव्स विद अ विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ टारगेट, कोई टारगेट है, बुलेट मूव कर रहा है, कोई टारगेट को हिट किया, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग द टारगेट टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। और जो टारगेट है, मान लो जैसे कुछ भी मान लो वुड का हो या फिर स्पॉन्ज का टारगेट हो, उसको हिट किया तो 10 सेंटीमीटर उसमें पेनिट्रेट किया। तो देखो उसका डिस्टेंस मतलब कितना कवर किया, एस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये यूनिट जो है, ये मीटर पर सेकेंड क्या है, SI यूनिट, लेकिन सेंटीमीटर क्या है, CGS यूनिट है। तो इसको SI यूनिट में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो उसको अपन को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। तब ये किस में आ गया, SI यूनिट में आ गया। कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉज बाय द टारगेट, तो कितना रिटार्डेशन कॉज हुआ ये अपने को पता करना है। तो देखो अब ये तो फाइनली है कि जब वो टारगेट हिट के बुलेट टारगेट को हिट करेगा तो फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या होनी है, जीरो। तो वी क्या लिख दो, जीरो। अपने पास तीन क्वांटिटी दिया हुआ है, यू इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बुलेट का जब टारगेट को हिट करना स्टार्ट किया, जैसे मान लो ये है, यहाँ से बुलेट आया और टारगेट को हिट करता है, तो यहाँ से यहाँ तक जैसे मान लो इस टारगेट को हिट किया, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बुलेट यहाँ से हिट किया टारगेट को, यहाँ तक पेनिट्रेट किया, तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ये बुलेट है। अब देखो तो बी क्या होगा, फाइनली यहाँ टारगेट की वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखना है क्या, रिटार्डेशन देखना है। तो अपने को देखो अपने पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, अपने को वही यूज करना है, वही पता है। तो पहला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अपन देखते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो बता दीजिए लेकिन उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। अब अपने पास u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, s दिया हुआ है। तो देखो अपने पास u दिया हुआ है, ठीक है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, s दिया हुआ है, रिटार्डेशन निकालना है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलो रिटार्डेशन को। तो देखो कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, अपने पास क्या है, टाइम दिया हुआ है, नहीं, तो टाइम नहीं दिया हुआ तो इसमें क्या है, टाइम आता है इन्वॉल्व है, इसमें भी क्या है, टाइम इन्वॉल्व है, तो अपन ये दोनों इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। तो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला यूज करें तो बस उसमें वैल्यू पुट कर दो v की जगह पे, बाय यूजिंग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तो इसमें यूज करें तो v की जगह पे क्या लिखते हैं, जीरो, u की जगह पे क्या लिखते हैं, 20 का स्क्वायर, टू ए एस की जगह पे क्या, एस की जगह पे क्या लिखते हैं, 0.1, ठीक है। अब देखो अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे देखो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400। अब इधर आएगा क्या आएगा, -400 इक्वल टू 2a इंटू 0.1, ठीक है। अब देखो यहां से अपने को कैलकुलेट क्या करना है, a, तो a कैलकुलेट करते हैं अपन। तो देखो यहां से अब देखें तो यहां से जो a आएगा वो आएगा -400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.1, ठीक है, 2 इंटू 0.1 को 4 माइनस 400 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखो जब डेसिमल हटेगा तो ऊपर एक जीरो आएगा, तो 2 जो 4, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, रिटार्डेशन कहता है। अगर अपन नेगेटिव एक्सेलरेशन कहें तो रिटार्डेशन कहना है, तो कह देंगे रिटार्डेशन कितना हो गया, 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लो इसको।
अब अपन देखते हैं। अब अगर इस वाले प्रॉब्लम में देखें सॉल्यूशन इसका देखें तो देखो अ बॉडी मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन से मान लो ये है ना, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन हैज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जैसे देखो ये मैं बताने वाला था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी अपन देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व, जैसे मान लो विंडो से बाहर तुम देख रहे हो, तुम्हारे बाहर एक कार पास किया, तो कार की उस इंस्टेंट पे जब तुम ऑब्जर्वर ने जब उसको देखा उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब एक ऑब्जर्वर देखता है किसी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को, तो उसकी स्पीड तो चेंज होती रहती है, लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं वेलोसिटी कितना है 5। अब देखो ये जो एम एस माइनस वन लिखा हुआ है, एस माइनस वन ऐसे लिखा हुआ है, एम एस माइनस वन, देखो माइनस वन मतलब क्या है, ये ऐसे लिख सकते हैं 5 m s, ठीक है, मतलब ये जो s है ये नीचे है, तो मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, लिखने का ऐसे तरीका भी है। तो देखो 5 मीटर पर सेकेंड एंड 3 सेकेंड लेटर टाइम कितना दिया, 3 सेकेंड, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 14 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो ये क्या हुआ, बेसिकली u हो गया, जिस इंस्टेंट पे देखा u 5 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड बाद क्या हो जाती है, v फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी हो जाती है, 14 मीटर पर सेकेंड। ये भी देखो ये लिखा हुआ है, s पे माइनस वन है तो ऊपर जाए, ये देखो एम एस माइनस वन है, इसका मतलब क्या है कि जैसे एस स्क्वायर लिखते हैं, वैसे माइनस टू अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 by s² ऐसे लिखेंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना है। अब देखो तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन अपने को कैलकुलेट करना है, तो देखो अपने पास अपने को बताया क्या है कि फिर से वही इक्वेशन 3, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। पहले क्या है अपने को तीनों इक्वेशन याद होना चाहिए, उसके बाद क्या है कि अपने को लिख लेना है, एक बार प्रैक्टिस से आ जाएगा, उसके बाद देखना है कि कौन सा दिया हुआ है, क्या निकालना है अपने को, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन को देखो, और यहाँ पे देखो क्या है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए तभी ये इक्वेशन अपन लगा सकते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, U है V है, U V इसमें है, इसमें V नहीं है, तो ये अपन नहीं लगा सकते हैं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का कोई सीट नहीं है, तो ये S कोई काम का नहीं है भी नहीं, तो अपन कौन सा यूज करें, पहला इक्वेशन यूज करते हैं, तो V इक्वल टू U प्लस ए टी, ठीक है, तो देखो V की जगह कितना लिख दें, V की जगह लिख देते हैं 14, U की जगह कितना लिख दें 5, एक्सेलरेशन अपने को निकालना है, टाइम की जगह कितना लिख दें 3, तो देखो सो जब सॉल्व करेंगे तो 14 - 5 = 3 a है, तो यहाँ से देखो a कितना आ जाएगा, 14 - 5 = 9, और ये 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 m/s², या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं 3 m·2, ठीक है, जब ये प्लस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाता है रेसिप्रोकल लेने पे, ये मैथमेटिक्स में तुम्हें बताया गया होगा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इसको भी नोट कर ले। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन स्टार्ट रेस्ट से होता है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u इक्वल टू 0 m/s, रेस्ट मतलब 0 से स्टार्ट होना, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 2 m/s²,
यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं फॉर 10 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। इट देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकेंड। उसके बाद स्पीड उसकी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है 200 सेकेंड के लिए। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, देन ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। उसके बाद क्या होता है, ट्रेन अप्लाई करता है ब्रेक, उसको रिटार्ड करता है, इट कम्स टू रेस्ट। फाइनली भी क्या हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है 50 सेकेंड के बाद। देखो सिचुएशन ऐसा है इस क्वेश्चन में, जैसे मान लो ट्रेन स्टार्ट हुआ, ट्रेन स्टार्ट होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन होती है 10 सेकेंड तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है 200 सेकेंड तक। उसके बाद क्या होता है, 200 सेकेंड मूव करने के बाद वो वापस क्या करता है, द ब्रेक लगाया जाता है, रिटार्ड करता है, कितने सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए। तो आप हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड, मतलब पूरे जर्नी में ट्रेन अपना मैक्सिमम वेलोसिटी कितना रीच किया होगा, ठीक है। तो ये अपने को फाइंड करना है, तो ये तो पक्का है क्या, जब यूनिफॉर्म स्पीड पे होगा तो उस समय जैसे वो मैक्सिमम वेलोसिटी रीच किया, उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड से वो 200 सेकंड तक ट्रैवल किया होगा, उसके बाद जो भी उसकी वेलोसिटी होगी वो उससे कम होगी। तो मतलब अगर अपन इस ड्यूरेशन में अगर वेलोसिटी निकाले फाइनली क्या क्या रहा होगा 10 सेकंड बाद, तो वही इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। 10 सेकंड मान लो वो चला एक्सलरेट कर रहा था, उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड रहा, मतलब जितना मैक्सिमम स्पीड था, जैसे अगर मान लो उसको ग्राफ से देखिए, ग्राफ अभी बताया जाएगा, तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन रहा होगा, ऐसे चला होगा 10 सेकंड के लिए, उसके बाद 200 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म स्पीड, उसके बाद फिर रिटार्ड किया 50 सेकेंड, ठीक है, इस टाइप से। तो देखो इस वाले पॉइंट पे जो क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इसकी, इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम। तो अपन अगर ये वेलोसिटी निकाल लें तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो अपने पास फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या बोला है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो देखो फिर से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, और तीसरा v square is equal to u square plus 2as। अब देखो अपने को u at दिया हुआ है, v निकालना है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ, t दिया हुआ है, v निकालना है। तो देखो v is equal to u plus at, ठीक है, तो v is equal to यू की जगह कितना लिख दे 0, ए की जगह पे 2 और टाइम की जगह पे 10, तो ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये देखो ये अपना आंसर हो गया, अगर ध्यान से समझे तो यहाँ पर जो इसकी 10 सेकेंड बाद जो मैक्सिमम स्पीड होगी उससे फिर ये 200 सेकेंड तक ये देखो यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है, कांस्टेंट स्पीड पे, तो 20 मीटर पर सेकेंड से ही 200 सेकेंड तक चलेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, रिटार्ड करेगा, ब्रेक अप्लाई किया ड्राइवर ने, रिटार्ड करेगा 50 सेकेंड, उसके बाद वापस उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी वेलोसिटी। तो मैक्सिमम जो अपना होगा वेलोसिटी वो ये हो जाएगा आंसर, इसको भी नोट कर लो। तो कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, कैसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, 1 2 1 का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट मतलब बिल्कुल स्टैंड स्टिल है। ऑन अ लेक एक्सलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट एक्सलरेशन है, इसका मतलब क्या, अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो देखो एक्सलरेशन क्या दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना, 48 सेकेंड, टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इस टाइम में। तो अपने को देखना पहले कि क्या क्या दिया हुआ है, नोन क्या है, यू क्योंकि रेस्ट है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सलरेशन दिया हुआ है
टाइम दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है। तो वही पुराना तीन क्वेश्चन मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब अपने को डिसाइड करना है कि तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज लें। अब देखो इसमें से क्या है, यू ए टी दिया हुआ है, मतलब यू ए टी दिया हुआ है, लेकिन वी तो निकालना नहीं है, तो ये इक्वेशन अपन यूज नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे टी का यूज नहीं है, ठीक है, अपने को निकालना है क्या बेसिकली एस, इसमें देखो एस तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए ये तो यूज हो गई। अब देखो दोनों में है, लेकिन क्या है यहाँ पर वी नहीं दिया हुआ है, तो वी अपने को पता नहीं है, तो अपन ये भी नहीं निकाल लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला, तो ये वाला अप्लाई करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यू की जगह क्या लिखते हैं, जीरो, अब जीरो से मल्टीप्लाई को टाइम को तो जीरो ही होगा, हाफ एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखते हैं थ्री, और टाइम की जगह क्या लिखते हैं एट का स्क्वायर, एट का स्क्वायर। देखो ये आ जाएगा हाफ इंटू थ्री इंटू सिक्सटी फोर, टू से डिवाइड करेंगे 32, इसको करेंगे वापस मल्टीप्लाई, थ्री टू जै सिक्स, थ्री थ्री जै नाइन, 96 मीटर। तो ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया, मतलब 96 मीटर का आंसर हो गया। तो अपने को क्या है, पहले नोन जो है वो लिख लेना है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को ध्यान हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। उसके बाद क्या करना है, उसमें देखना है कि कौन सा अपन लगा सकते हैं, और उसके बाद वो लगाने के बाद आंसर आ जाएगा विद साइन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन इसका। A boy running at an average speed of 4 km per hour, मतलब V average कितना दिया हुआ है 4 km per hour, boy move कर रहा है, reaches from school, reaches school from his home, मतलब मान लो जैसे ये home है और उससे कहाँ जाता है, ये स्कूल जाता है, ठीक है, ये कोई boy स्कूल होम से स्कूल जाता है इन हाफ एन आवर, टाइम कितना लगता है इसमें, इसको हाफ एन आवर, ठीक है, टाइम कितना लगा 1/2 आवर, हाफ एन आवर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हिज होम, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। अब देखो यहाँ एक्सेलरेशन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे सिंपल। तो क्या हो जाता है, देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड ले लेते हैं, तो एवरेज स्पीड क्योंकि वो ये जो टाइम दिया हुआ है ये टोटल टाइम है, तो एवरेज स्पीड ले लेते हैं, तो आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई करो तो उसको हाफ आवर से। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आवर आवर कैंसिल हो गया, 2 × 4, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 2 किलोमीटर। तो ये क्या आ गया, उसका आंसर आ गया, मतलब होम से स्कूल का डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर है, सिंपल एक इक्वेशन लगाने से। इसमें अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का कहीं पे कोई बात नहीं किया कहा गया है, तो इसको भी नोट कर लो। अब इस वाले प्रॉब्लम में देखें, अ गर्ल स्विम्स इन अ स्विमिंग पूल ऑफ लेंथ 100 मीटर, जैसे मान लो क्या कि ये कोई स्विमिंग पूल है जिसका लेंथ 100 मीटर है, ठीक है, कोई स्विमिंग पूल है जिसका लेंथ 100 मीटर है। सी स्विम्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एंड रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन इन 2 मिनट्स, मतलब जैसे मान लो ये कोई गर्ल है वो स्विम करती है यहाँ से इस एंड तक वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है,
स्विम करती है, 2 मिनट में वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सी स्विम्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एंड रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन इन 2 मिनट। 2 मिनट्स में कितना वहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाती है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो अपने को एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो देखो जैसे एवरेज वेलोसिटी आए तो देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ध्यान से देखो तो गर्ल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक गई, वापस यहाँ तक आई, फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम रहा, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऊपर वाला टर्म क्या हो गया, जीरो। अब टाइम कुछ भी रहे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो इसका आंसर अपना क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड या 0, ठीक है। तो ये अपना सॉल्यूशन हुआ इसका। नेक्स्ट देखो, अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, ध्यान देना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है। इट्स एक्सलरेशन आफ्टर 1 आवर इज, मतलब 1 घंटे बाद उसका एक्सलरेशन क्या होगा। अब देखो कार है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अपने को पता है क्या, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए, जैसे मान लो ए क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है एक्सलरेशन का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अभी जैसे मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है तो 1 आवर के बाद भी क्या रहेगा, 40 किलोमीटर पर आवर, कभी भी क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो देखो उसकी इनिशियल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, 1 आवर बाद भी क्या रहेगी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ 40 और 40 लिखेंगे तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाएगा, 0। इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर 1 आवर, कभी भी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या स्पीड वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, 0। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम वन टाउन टू अनदर अदर विद एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। जैसे मान लो यहां से यहां जाता है ए से बी टाउन, कैसे जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। इफ द फर्स्ट हाफ इज ट्रेवल्ड एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब मान लो इस टोटल डिस्टेंस कितना, मान लो 2s मान लो, ठीक है, तो s डिस्टेंस फर्स्ट हाफ कितना हुआ, ये s, और ये भी कितना हो जाएगा s, ठीक है, s प्लस s कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ कैसे कवर करता है, इफ द फर्स्ट हाफ इज ट्रेवल्ड एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, इसको ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन द अदर हाफ विल बी, तो यहाँ पर जो उसकी एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ टोटल डिस्टेंस 2s मान लिए, तो यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर पर आवर से मूव किया, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड क्या रहेगी, तो ठीक है अपने को ये कैलकुलेट करना है। तो देखो सिंपल है, क्या निकालना है अपने को, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो यहां पे टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस s plus s equal to 2s, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2s। अब देखो टोटल टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, देखो अगर मान लें यहाँ से यहाँ तक टाइम t1 ले लेते हैं,
यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी वन ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी टू ले लेते हैं, मतलब फर्स्ट हाफ के लिए टाइम टी वन, सेकेंड हाफ के लिए टाइम टी टू। तो देखो टी वन क्या आ जाएगा, अब देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टी वन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है एस और स्पीड कितना दिया हुआ 30। वैसे ही टी टू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डिस्टेंस एस और स्पीड अपने को पता नहीं है, वही तो कैलकुलेट करना, उसको मान लेते हैं वी, उसको क्या मान लेते हैं वी। तो अपना टाइम आ गया टोटल, अब देखो उसको फार्मूला में पुट करो, टोटल टाइम जो टी वन प्लस टी टू हो जाएगा, तो देखो टोटल टाइम क्या हो गया अपना, टोटल टाइम ये हो गया टी वन प्लस टी टू। अब इसको क्या करना है, ये देखो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, इसको इस वाले फॉर्मूला में रखा है, पुट करते हैं। अब देखो एवरेज स्पीड अपने को दिया हुआ है, एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो देखो 20 टोटल डिस्टेंस, इस वाले फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2s, टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2, ये टोटल टाइम है, तो इसकी जगह लिख दो s by 30 प्लस s upon v। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 20 इक्वल टू 2s, अब यहाँ से s कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 by 30 प्लस 1 by v, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये s और ये s क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस देखें तो 20 बाय 2, ये 2 क्या आ गया नीचे आ गया डिनोमेटर में, तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर ऊपर ही लगा देते हैं इसको 2 अपॉन, अब देखो इसका एलसीएम ले तो 30 भी आ जाएगा, इसको सॉल्व करो तो यहाँ क्या आ जाएगा v प्लस 30, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे का एलसीएम ले लेंगे, फिर ये मतलब फ्रैक्शन का एडिशन अपने को आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 ऊपर चला जाएगा, 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय वी प्लस 30, ठीक है। अब वापस देखें इसको, अब देखो ये जो वी 20 ये जो वी है 20 है, इसको वी प्लस 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू वी प्लस 30 इक्वल टू 30 इंटू टू 60। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 20 वी प्लस 600 इक्वल टू 60, ठीक है, 20 वी प्लस 600 इक्वल टू 60, तो यहाँ पे देखो इसका एलसीएम क्या आया 30 वी आया, तो यहाँ पे 30 ऊपर क्या हो जाएगा 30 2 इंटू 30 वी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना है, 2 इंटू 30 वी आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 वी, ये 60 वी आएगा। अब देखो इसको वापस सॉल्व करें तो देखो 20 वी प्लस 600 इसको 60 वी, तो देखो 600 इक्वल टू 220 इधर माइनस होगा कितना आ जाएगा 40 वी, तो देखो यहाँ से वी कितना आ गया 600 डिवाइडेड बाय 40, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4 30 2 15, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो सेकेंड हाफ का जो इसका स्पीड रहेगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम सही से होना चाहिए, उसके बाद ये जो है 30 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, इसको भी नोट कर लो।
ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं पहले सॉल्यूशन। देखो उसमें क्या है, अ बॉडी कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड द अदर हाफ विद 30 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द होल जर्नी इज, मतलब जैसे मान लो कोई डिस्टेंस है 2s, ठीक है 2s मान लेते हैं डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस बी 2s, ठीक है हाफ मतलब s, सेकेंड हाफ मतलब वो भी s, 2s का हाफ करोगे ss आ जाएगा। अ बॉडी कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो कवर करता है ये कैसे करता है 20 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट जो हाफ कवर करता है अदर हाफ 30 मीटर पर सेकेंड, ये जो कवर करता है वो करता है 30 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द होल जर्नी, पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड इसका क्या होगा, ठीक है एवरेज स्पीड इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या मान लिए हैं 2s, ठीक है s प्लस s 2s, टोटल टाइम निकालना है टोटल टाइम। अगर देखो यहां से यहां तक का टाइम मान लेते हैं t1, यहां से यहां तक का टाइम कितना मान लेते हैं t1, और यहां से यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा T2, ठीक है यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 मान लेते हैं फर्स्ट हाफ के लिए, सेकेंड हाफ के लिए T2। तो देखो T1 क्या हो जाएगा, अब देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है और स्पीड कितना है 20, वैसे ही T2 क्या हो जाएगा s बाय 30, ठीक है तो T1 और T2 अपना आ गया। अब उसको क्या कर दो टोटल टाइम पे यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो यहाँ पे अगर पुट करें तो देखो सॉल्यूशन 2s अपॉन s बाय 20 प्लस s बाय 30, ठीक है टोटल डिस्टेंस s प्लस s 2s, टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, t2 मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम। टाइम क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उसको यहाँ पे पुट कर दिए, अब इसमें क्या करते हैं देखते हैं, अब देखो यहाँ से 2s अपॉन s कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1/20 प्लस 1/30, तो देखो ये s s क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है s ऊपर से यहाँ से s कॉमन लिए तो s और s क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर रहा 2 और नीचे 1/20 30, 20 30 का एलसीएम 60, तो 20 3 60 और 30 2 60, तो देखो ये 60 कहाँ आ जाएगा, ये 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 60/5, ठीक है अब देखो 5 12, तो ये कितना आएगा 12 × 24 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो 24 मीटर पर सेकेंड इसका क्या आ गया एवरेज स्पीड आ गया ड्यूरिंग, मतलब कंप्लीट जर्नी का, होल जर्नी पूछा है कंप्लीट जर्नी का वो कितना आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। अपने को यहाँ फिर फ्रैक्शन का एडिशन ध्यान से देखना है, इसको भी नोट कर लो। अब ये वाला प्रॉब्लम देखें सॉल्यूशन, अ स्टूडेंट स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टूडेंट स्टार्ट विद अ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्कूल एट 4 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ अ स्कूल ही रिटर्न्स सून टू हिज हाउस विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज वेलोसिटी विल बी,
जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो होम है, ये स्कूल है। अब देखो क्या कह रहा है, स्टूडेंट स्टार्ट विद द वेलोसिटी, वो जाता है, वेलोसिटी कितना से स्टार्ट करता है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है, और ये जो डिस्टेंस है टोटल कितना है, 4 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर। अब स्कूल बंद है तो वापस आता है कितने स्पीड से आता है, 60 किलोमीटर पर आवर से। सून टू हिज आवर्स विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। रिटर्न का वेलोसिटी कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब लौटने का स्पीड क्या है इसका, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अपने को क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखो स्टूडेंट क्या किया, यहां से स्टार्ट किया, इस वाले पॉइंट से स्कूल गया, वापस स्कूल से होम आ गया, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हुआ, वही सेम हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, ठीक है। अब न्यूमरेटर अगर 0 हो गया तो नीचे कुछ भी है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, 0, ठीक है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वो होम से स्टार्ट किया था, वापस स्कूल से होम आ गया, तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, एवरेज 0। चलो फिर प्रॉब्लम देखते हैं, ये इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 72 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। 72 से कितना हो जाता है, 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, मतलब ट्रेन क्या है, मान लो रुकने वाली है, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो 72 किलोमीटर पर आवर टू से कितना हो जाता है, 36 किलोमीटर पर आवर कितने में हो जाता है, 5 सेकेंड में। इन दिस प्रोसेस फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो इस प्रोसेस में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अपने को पता है क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी, वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा, 420 मीटर पर सेकेंड, 18 × 72, 4×5=20। वैसे ही फाइनली कितना हो गया वेलोसिटी इसका, 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो 18 × 36, तो इतना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या दिया हुआ है अपने को, टाइम दिया हुआ है कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड, तो अपना एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो एक्सेलरेशन हो जाएगा वी, वी क्या है, 10, यू कितना है, 20 अपॉन टी, 5, तो ये आ गया देखो -10/5 या फिर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव क्या बता रहा है, रिटार्डेशन, नेगेटिव क्या बता रहा है, रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और देखो हो भी रहा है 72 से 36, मतलब क्या हो रहा है, स्पीड इसकी डिक्रीज हो रही है, तो इसको नोट कर लो। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें देखो अ बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो ये वॉल है, फिर इसको एक बॉल हिट करता है 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है,
अ बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, आफ्टर हिटिंग वॉल इट रिबाउंड्स हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4.4 मीटर पर सेकंड। मतलब बॉल इसको हिट करता है वापस रिबाउंड करता है, कितने वेलोसिटी से करता है रिबाउंड, उसकी वेलोसिटी है 4.4 मीटर पर सेकंड। बॉल हिट किया, जैसे बॉल को हिट करो तो वो रिबाउंड करता है, ठीक है, तो वो रिबाउंड किया 4.4 मीटर पर सेकंड से। इफ द बॉल रिमेंस इन द कॉन्टैक्ट ऑफ वॉल फॉर 0.4 सेकंड, मतलब जैसे बॉल को मैंने हिट किया मतलब फ्लो मतलब वॉल पे फेंका, वापस वो 0.04 सेकंड के लिए क्या होता है, वो इसको टच करता है, इस जगह वॉल को वापस आ जाता है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विल बी, तो अपने को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो अपन क्या करते हैं, देखो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो इस डायरेक्शन को अपन क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो साइन कन्वेंशन अपने को वेक्टर क्वांटिटी में रखना पड़ता है। तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, वो है प्लस 6 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। फाइनल वेलोसिटी वी क्या हो गया, माइनस 4.4 मीटर पर सेकेंड, माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 0.04 सेकेंड। तो अपने अब फॉर्मूला में पुट करो तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वी माइनस यू बाई टी, ये वाला फॉर्मूला। वी की जगह क्या लिखते हैं, माइनस 4.4, यू की जगह क्या लिखते हैं, देखो ये तो प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन है और ये यू क्या है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 मीटर, 6 ही लिख दो, अपॉन 0.04। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस 10.4 अपॉन 0.04, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब इस क्वेश्चन में देखें, अगर अ कार कवर 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, जैसे मान लो ये 30 किलोमीटर है, कैसे यूनिफॉर्म स्पीड कैसे मूव कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड से। द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ जो 30 किलोमीटर है उसको कैसे ट्रेवल करता है, 40 किलोमीटर पर आवर। द टोटल टाइम टेकन इज, मतलब 30 किलोमीटर कितने स्पीड से कवर करता है, 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 30 किलोमीटर कैसे कवर करता है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो कंप्लीट जर्नी में कितना टाइम लगा वो बताना है। अब देखो अगर देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम मान लेते हैं T1, और यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं टाइम क्या होना चाहिए, T2। तो देखो टाइम यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से देखो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, टाइम क्या आ जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस कितना है 30 और स्पीड कितना 60, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 r। वैसे T2 कितना आ जाएगा, T2 मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम, वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है 40, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 3/4 r। अब इसको टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम वो हो जाएगा T1 + T2, मतलब 1/2 + 3/4 r, इसको सॉल्व करो, 4, 2 + 3, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे फ्रैक्शन का, तो ये टोटल आवर आ गया, तो ये कितना आ गया, 5/4 r। इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं, सेकंड में भी, अगर मिनट में चेंज करें तो कितना आ जाएगा,
5/4 इंटू 60 मिनट। तो देखो 2 2 4 32 15 15 5 75 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल कंप्लीट जर्नी में कितने आवर लगेंगे, 5/4 आवर या फिर 75 मिनट्स। तो इसको भी नोट कर लो।